हाय फ्रेंड्स, कॉलेज ग्रुप टेक हिंदी में आपका स्वागत है। हमारी सभी टेक्निकल वीडियो देखने के लिए टेक हिंदी कॉलेज ग्रुप के नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन के ऊपर क्लिक कीजिएगा। इससे आप हमारी सारी टेक्निकल वीडियो देख सकेंगे। हमारी आगे आने वाली टेक्निकल वीडियो की जानकारी भी आप सब्सक्राइब बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको मिलती रहेगी। अगर हमारा ये वीडियो और अन्य वीडियो आपको अच्छे लगे हैं तो लाइक बटन के ऊपर क्लिक करना ना भूलिएगा। तो लीजिए आज स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। नमस्कार फ्रेंड, आज हम देखेंगे कि गूगल ड्राइव क्या है और इसका कैसे इस्तेमाल करते हैं। नमस्कार, मैं हूं दीपक काले। कॉलेज ग्रुप टेक हिंदी में आपका स्वागत है। हम डाटा स्टोर करने के लिए कंप्यूटर, पेन ड्राइव, डीवीडी या मेमोरी कार्ड का इस्तेमाल करते हैं। यही डेटा एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में हमें तकलीफ भी होती है। कई बार हमारा बहुत सा इम्पोर्टेंट डाटा करप्ट हो जाता है। गूगल ड्राइव गूगल द्वारा स्थापित किया गया है। जैसे हम कंप्यूटर, पेन ड्राइव, डीवीडी, मेमोरी में डाटा स्टोर करते हैं, ऐसे ही हम गूगल ड्राइव पे डाटा सेव कर सकते हैं। गूगल ड्राइव में हम अपने इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट, शीट्स, प्रेजेंटेशन फाइल्स, फोटोज, म्यूजिक और वीडियो स्टोर कर सकते हैं। इसके अलावा कई अन्य फाइल जो कंप्यूटर पर स्टोर हो सकती है, ऐसी सभी फाइल गूगल ड्राइव पर सेव हो सकती है। गूगल ड्राइव ये गूगल द्वारा स्थापित किया गया है। इसमें हम हमारा डाटा, फोटोज, वीडियो, म्यूजिक स्टोर कर सकते हैं। इसके लिए इंटरनेट शुरू होना जरूरी है और हाँ, इसके लिए हमारा गूगल अकाउंट का भी होना जरूरी है। यह हम इंटरनेट के द्वारा गूगल ड्राइव पर सेव कर सकते हैं, इसीलिए इसे क्लाउड स्टोरेज भी कहा जाता है। ये बिल्कुल फ्री है। गूगल हमें 15 GB तक का डाटा स्टोर करने की परमिशन देता है। इसके अलावा अगर हमारे पास कोई ऑफिस का सॉफ्टवेयर लोड नहीं है तो भी गूगल डॉक्यूमेंट के द्वारा हम डॉक्यूमेंट तैयार कर सकते हैं। स्प्रेडशीट, प्रेजेंटेशन, ड्राइंग और फॉर्म भी तैयार कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट के थ्रू हम अपना डाटा सेव कर सकते हैं, उसे पीडीएफ में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। हम उसे फिर से दोबारा अपने कंप्यूटर पर डाउनलोड कर सकते हैं। इस तरह ही स्प्रेडशीट, प्रेजेंटेशन, ड्राइंग या डाटा भी हम पीडीएफ फाइल में कन्वर्ट कर देते हैं या कर सकते हैं। इस तरह से गूगल ड्राइव आजकल बहुत लोकप्रिय हो चुका है। गूगल ड्राइव की गूगल डॉक्यूमेंट ये सुविधा है। गूगल डॉक्यूमेंट में हम वैसे तो हमारा डाटा सेफ और सिक्योर सेव कर सकते हैं, लेकिन अगर हम चाहे तो गूगल डॉक्यूमेंट हम शेयर कर सकते हैं। शेयर किया हुआ डाटा या शेयर की हुई फाइल हम हमारे दोस्तों, रिश्तेदारों और अन्य यूजर के साथ शेयर कर सकते हैं। अन्य यूजर उसे एडिट भी कर सकते हैं। इस फैसिलिटी की वजह से गूगल डॉक्यूमेंट या गूगल ड्राइव बहुत लोकप्रिय है। गूगल ड्राइव हम अपने पीसी, लैपटॉप, टैब या मोबाइल पर भी चला सकते हैं। गूगल ड्राइव यूज करने के लिए हमारे पास गूगल अकाउंट होना जरूरी है। इसके लिए हम हमारे ब्राउजर में drive.google.com ऐसा टाइप करके एंटर करेंगे या जीमेल अकाउंट के थ्रू भी हम गूगल ड्राइव इस्तेमाल कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, तो आज हम देखते हैं कि गूगल ड्राइव का इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे drive.google.com ये टाइप करेंगे, तो और ये टाइप होने के बाद हम एंटर बटन प्रेस करेंगे।
हम गूगल ड्राइव हमारे ईमेल के द्वारा लॉगिन करते हैं या गूगल अकाउंट के द्वारा, तो मैं यहाँ मेरा ईमेल अकाउंट यहाँ पे टाइप किया है और ये नीले रंग का नेक्स्ट बटन पर क्लिक करूँगा। इसके बाद मेरा पासवर्ड टाइप करके मैं यहाँ साइन इन बटन के ऊपर क्लिक करूँगा। तो उसके बाद कंप्यूटर हमारा ये गूगल ड्राइव ओपन कर देगा, जो पहले फाइल है यहाँ पे लोड किया तो वो दिखाई दे रहा है। मैंने पहले भी गूगल ड्राइव में कुछ फाइल अपलोड किए हैं। तो आप सीखते हैं कि हमारे कंप्यूटर से या कंप्यूटर के ऊपर जो भी फाइल हमने सेव किया है वो गूगल ड्राइव पे कैसे अपलोड करें। तो इसके लिए ये नीले रंग का बटन है न्यू नाम से, तो वो इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे फोल्डर, फाइल अपलोड, फोल्डर अपलोड ये ऑप्शन आते हैं। तो हमको अभी फाइल अपलोड करनी है, तो यहाँ पे मैं फाइल अपलोड के ऊपर क्लिक करूँगा। उसके बाद कंप्यूटर हमारे जो फाइल है मेरे कंप्यूटर के अंदर मैंने सेव किए हुए ये जो आधार कार्ड, पैन कार्ड या जो भी कुछ पीडीएफ फाइल है, फ़ोटो है, तो हम अपलोड कर सकते हैं। तो मैंने कुछ स्केचेस बनाया है, मेरे ये स्केच है जो जेपीजी में सेव किया है, वो सेलेक्ट कर लेता हूँ और ये ओपन बटन के ऊपर क्लिक करूँगा। तो नीचे यहाँ पे अपलोड ये दिखाई दे रहा है और ये सर्कल नीले रंग का प्रोसेसिंग में है। अभी वो प्रोसेसिंग कंप्लीट होने के बाद वो हरे रंग का टिक मार्क दिखाएगा, तो देखते हैं हम। देखे यहाँ पर उन्होंने हरे रंग का है टिक मार्क दिखाया है और ऊपर यहाँ पे ये मैं क्लोज कर लेता हूँ भी, और ये ऊपर यहाँ पे देखे ये जो फाइल है ये हमने अपलोड की है। इस तरह से एक फाइल हम अपलोड कर सकते हैं। अगर ये फाइल हमको देखनी है तो यहाँ पर डबल क्लिक की करने के बाद गूगल हमें प्रीव्यू दिखाता है। तो मैं अभी बैक जाता हूँ। अगर हमको पूरा फोल्डर है वो अपलोड करना है तो हम गूगल ड्राइव पर कैसे करें ये हम एक बार देखेंगे। तो ये जो नीले रंग का न्यू बटन है यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। उसके बाद हमें फोल्डर पूरा फोल्डर अपलोड करना है, तो यहाँ पे फोल्डर अपलोड ऑप्शन है, तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। तो उसके बाद मेरा जो फोल्डर है वो फोल्डर हम सिलेक्ट करते हैं और ये दीपक काले डॉक्यूमेंट के नाम से है और मैं यहाँ ओके कर लेता हूँ। तो यहाँ पर नीचे जो दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे इसमें इस फोल्डर में 32 फाइल्स है, इसमें से एक फाइल अभी अपलोड हो गई है। उसके बाद उसको कितने मिनट लगता है, 4 मिनट लगेंगे ऐसा यहाँ दिखाई दे रहा है। तो मैं अभी ये देखिए ये नीले सर्कल में ये दिखाया था है कि कितना फाइल अभी ये लोड हुआ है या नहीं। तो इस तरह से हम पूरा फोल्डर भी यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। तो अभी ये दिखा रहा है कि 32 में से 12 फाइल अभी इस गूगल ड्राइव पे अपलोड किए हैं। अभी सर्कल ये थोड़ी देर के बाद पूरा होगा। तो ये देखिए अभी थोड़ी देर में ये लेस देन ऊपर दिखा रहा है कि लेस देन मिनट में ये आपका सब फोल्डर का फाइल है तो अपलोड होगा। जो दीपक काले डॉक्यूमेंट जो मेरा फोल्डर है यही फोल्डर नेम से ये गूगल ड्राइव में भी ऊपर दिखाई दे रहा है। ये हरे रंग का टिक मार्क आ गया है तो इसके ये हमको बताता है कि आपका अपलोड कंप्लीट हो गया है। ऊपर भी ये मैसेज दिखाता है कि 1 अपलोड कंप्लीट हो गया है। मैं क्लोज कर लेता हूँ। यहाँ ऊपर देखिए कि ये इसी नाम से फोल्डर आ गया है। यहाँ पर डबल क्लिक करने के बाद इस फोल्डर में जो भी डॉक्यूमेंट है ये सब यहाँ पर हमारे अपलोड हो चुके हैं। तो एक एक फाइल करने की बजाय हम सारा फोल्डर अगर ये कॉपी सॉरी अपलोड करते हैं गूगल ड्राइव पे तो हमारे जो टाइम है वो सेव होता है। तो इस तरह से हम जो है गूगल ड्राइव पे ये फाइल और फोल्डर डॉक्यूमेंट जो है हम अपलोड करते हैं। तो अभी हम गूगल ड्राइव से लॉग आउट होंगे और उसके बाद फिर से हम देखेंगे कि जीमेल ड्राइव के द्वारा या जीमेल के द्वारा हम गूगल ड्राइव कैसे इस्तेमाल करते हैं। फिलहाल मैं इससे अभी लॉग आउट हो रहा हूँ। तो इसके लिए लॉग आउट होने के लिए जो मेरा साइन है टेक हिंदी का यहाँ पर मैंने क्लिक किया है और यहाँ पे साइन आउट कर लेता हूँ। तो हम गूगल तो अभी हम देखते हैं कि ईमेल के द्वारा हम गूगल ड्राइव कैसे ओपन करते हैं। तो इसके लिए पहले हम
www.gmail ये टाइप करके फिर gmail.com ऐसा टाइप करेंगे और उसके बाद एंटर की प्रेस करेंगे। उसके बाद ये हमारा जो ईमेल आईडी है ये पूछेगा, ये हमने टाइप किया है, ये नेक्स्ट बटन पे मैंने क्लिक किया है। उसके बाद जो पासवर्ड है हम यहाँ पे टाइप करके साइन इन बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। थोड़ी देर के बाद ये मेरा जो जीमेल अकाउंट है ये ओपन हो रहा है और यहाँ पे ये सब ईमेल दिखा रहा है। तो मैं अभी देखता हूँ कि मेरा गूगल अकाउंट इसमें से कैसे कैसे अभी ओपन होता है नहीं। तो मैं अभी यहाँ पे ये देखिए ये जो स्क्वायर दिखाया गया है ये राइट हैंड साइड में सबसे ऊपर यहाँ पे, तो वो जो स्क्वायर है इस स्क्वायर के ऊपर हम क्लिक करेंगे। देखिए ये स्क्वायर यहाँ पे दिखाया गया है, ये स्क्वायर यहाँ पे दिखाया गया है, तो उस पर मैंने क्लिक करके यहाँ पे गूगल ड्राइव है यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये गूगल ड्राइव हमारा ओपन हो जाएगा। तो आगे हम देखते हैं कि गूगल ड्राइव पे जो फाइल्स या फोल्डर है वो हमारे कंप्यूटर पर कैसे डाउनलोड किया जाए। देखिए ये गूगल ड्राइव पर मेरा ये फोल्डर अभी भी हमने अपलोड किया था, यहाँ पर हम डबल क्लिक करेंगे तो ये मेरी जो फाइल्स है, मैं अभी मेरा पैन कार्ड जो है ये, तो ये मैं अभी अपने कंप्यूटर के ऊपर डाउनलोड करने के लिए मैं यहाँ पे माउस पॉइंटर लेता हूँ। माउस का राइट बटन क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन की लिस्ट आएगी, तो उसमें से यहाँ डाउनलोड ये बटन के ऊपर मैं क्लिक कर लेता हूँ। तो डाउनलोड बटन के ऊपर क्लिक होने के तुरंत बाद यहाँ पे नीचे ये फाइल तुरंत ही डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी। ये देखिए यहाँ पे ये दीपक काले पैन नाम से ये फाइल डाउनलोड हो गई है। तो इस तरह से हम इस गूगल ड्राइव पर हम अपलोड कर सकते हैं फाइल हमारे इम्पोर्टेंट, और फाइल्स डाउनलोड भी हमको ज़रूरत पड़ने पर फाइल डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो आगे हम देखेंगे कि अगर हमको कोई मेल आता है या उसमें कोई अटैचमेंट होती है, फ़ोटो होते हैं, तो वो कैसे गूगल ड्राइव में हम ट्रांसफ़र करते हैं। तो अभी हम देखते हैं कि ये जो तो अभी हम देखते हैं कि इस ईमेल में जो मेरा तो लीजिए फ्रेंड, अब मेरा ईमेल आईडी मैंने ओपन किया है और उसमें मुझको ये अभी माई टूर फोटो एंड डॉक्यूमेंट ये मेल मुझको अभी अभी मिला है। तो यहाँ पे अटैचमेंट है, ये मेल मैं ओपन कर लेता हूँ। ये मेल ओपन होने के बाद यहाँ पे दो अटैचमेंट दिखाई दे रहा है, तो ये अटैचमेंट के ऊपर मैं कर्सर लेने के बाद यहाँ पे डाउनलोड और यहाँ पे सेव टू ड्राइव ऐसा दिखाई दे रहा है। ये जो है ये गूगल ड्राइव का साइन है, तो इस साइन के ऊपर क्लिक करने के बाद ये जो हमको अटैचमेंट हमारे मेल पर आई हुई है ये हम अटैचमेंट गूगल ड्राइव में सेव कर सकते हैं। तो इसके लिए सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है। ये देखिए अभी ये मैसेज हमको मिला है ऐड टू माय ड्राइव, ये फाइल जो है पीडीएफ ये भी मैं गूगल ड्राइव में सेव कर लेता हूँ। इसके लिए मैं यहाँ क्लिक करूँगा और थोड़ी देर के बाद ये गूगल ड्राइव में सेव हो जाएगी। तो देखते हैं हम ये दोनों फाइल, ये नगर पालिका दाखिला नाम से और ये टूर फोटो के नाम से, ये हमारे गूगल ड्राइव में आई है या नहीं। इसलिए इसके राइट साइड में ऊपर ये गूगल ऐप्स का जो स्क्वायर है उसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे ड्राइव के ऊपर क्लिक करेंगे। तो ये जो फाइल्स हैं हमें अभी अभी अटैचमेंट में आई है और हमने ये गूगल ड्राइव में ऐड की है, वो यहाँ पे दिखाई देती है नहीं। तो देखिए यहाँ पे टूर फोटो का फाइल अभी अभी हमने गूगल ड्राइव में सेव किया था, ये यहाँ आ गई है, और यहाँ पे नगर पालिका दाखिला के नाम से भी ये फाइल अभी अभी ऐड हुई है। तो ये हमने देखा कि गूगल ड्राइव में कैसे अपलोड करते हैं, कैसे फोल्डर अपलोड करते हैं, कैसे डाउनलोड करते हैं, जीमेल के थ्रू इसे कैसे सेव करते हैं गूगल ड्राइव में। तो अभी हमको ये फाइल इस गूगल ड्राइव से हटानी है, इसे डिलीट करनी है, तो हम कैसे करते हैं ये हम देखेंगे। तो
अभी ये जो फोटो है टूर फोटो, ये मुझको अभी डिलीट करना है, तो कर्सर यहाँ पे लेके राइट बटन प्रेस करेंगे और नीचे सबसे नीचे यहाँ पे रिमूव बटन है, तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद हम ये फाइल यहाँ से गूगल ड्राइव से हटा देते हैं। दोस्तों हम इस तरह से ये गूगल ड्राइव का इस्तेमाल करते हैं। तो गूगल ड्राइव में और हम गूगल डॉक्यूमेंट, गूगल शीट्स और गूगल स्लाइड अगले वीडियो में देखेंगे। तो मैं अभी ये गूगल ड्राइव से लॉग आउट हो रहा हूँ, तो इसके लिए ये जो साइन है ऊपर राइट बटन के ऊपर का, तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये साइन आउट बटन पर क्लिक करेंगे। तो लीजिए अब हम गूगल ड्राइव से लॉग आउट हो गए हैं। तो दोस्तों आज क्या आया मेरा वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो तो लाइक बटन पर क्लिक कीजिएगा, और हमारे और टेक्निकल वीडियो देखने के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिएगा। धन्यवाद। हाय फ्रेंड्स, मेरी और टेक्निकल वीडियो देखने के लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। सब्सक्राइब करने के लिए ये सब्सक्राइब नाउ का रेड कलर का बटन है, इस पर क्लिक करें। अगर आप हमें सोशल मीडिया पर फॉलो करना चाहते हैं तो ये सोशल मीडिया के बटन पर क्लिक करें। मेरी अगली वीडियो है हम अपने मोबाइल पर हिंदी में टाइपिंग कर सकते हैं, वो भी अपनी आवाज में। हम जैसे जैसे बोलते हैं वैसे वैसे हमारे मोबाइल पर हिंदी में टाइपिंग हो सकता है। ये वीडियो जरूर देखें। इस प्रकार ही हम अगर कंप्यूटर पर टाइपिंग करने बैठ जाए तो हमें बहुत देर लगती है, यही बात हम अगर अपने आवाज के द्वारा कर सकते हैं तो बहुत जल्दी टाइपिंग हो जाती है। गूगल के द्वारा हम हिंदी में ये सबसे तेज और सबसे आसान टाइपिंग कर सकते हैं। ये हमारी अगली वीडियो है, ये दोनों वीडियो जरूर देखिएगा। फिर से एक बार विनती कि आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।